अब दूसरा आसन पर्वतासन, उसमें और इसमें ज़्यादा भिन्नता नहीं है, सिर्फ हाथ ऊपर को उठाए रखना पड़ता है। इसमें उंगलियां आपस में करके हथेली को ऊपर को किया हुआ था, मगर अब की बार हथेली ऊपर नहीं करना पड़ेगा, दोनों हाथों को ऊपर रखना पड़ेगा। इसमें लाभ ये होता है, जो पहले लाभ उस आसन में हुआ था इसमें होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें एक ज़्यादा होता है। जिन साधकों को शक्तिपात करने की ज़रूरत पड़ती है उसमें इस आसन से सहायक होता है, इस आसन में सहायता मिलती है। उसका कारण ये है कि उंगलियों का जो अग्रभाग है वो जल्दी से क्रियाशील होने लगता है। ज़रा एक बार आप करके बताइए। हाँ, ऊपर को करिए, ठीक है, अच्छा ठीक है। इसमें बस पर्वत के समान, यानी जैसे पर्वत ऊपर की ओर उठा रहता है, इसी प्रकार करते हैं। देखो उंगलियां, महत्वपूर्ण ये है कि उंगलियों में भी खिंचाव होना चाहिए, कलाई से लेकर उंगलियों का जो ऊपर का यानी अग्रभाग है वहाँ तक खिंचाव होना चाहिए। बस ये पहले वाले आसन की तरह तो खिंचाव होगा ही होगा पूरे शरीर में, लेकिन इसमें उंगलियों का होता है और फिर वही पंजे के बल क्रिया करते हैं। तो दो मिनट जरा इस आसन को, पर्वतासन को भी कीजिए। जी जी, आप सभी साधक बंधु ये ठीक है करिए, ये ऊपर की ओर करिए। आप उंगलियों में भी धीरे धीरे हलचल महसूस करेंगे, कलाई में खिंचाव होना चाहिए ऊपर की ओर, उंगलियों में भी ऊपर की ओर खिंचाव रखें। दो मिनट करेंगे तो कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे उंगलियों में कुछ हलचल सी होने लगी है। जी दो मिनट करिए। उंगली हथेलियाँ, हाँ उंगलियाँ चिपकी हुई होनी चाहिए, मैंने बताया नहीं, उंगलियाँ सभी की चिपकी होनी होनी चाहिए, चिपकी हुई होनी चाहिए, उंगलियाँ चिपकी हुई होनी चाहिए। अंगूठे, उंगलियाँ चिपकी हुई होनी चाहिए, अंगूठा और उंगलियाँ चिपकी हुई होनी चाहिए। मैं एक साधक का देख रहा हूँ, अंगूठा खुला हुआ है, मेरी उंगलियाँ देखिए, मेरी उंगलियाँ देखिए, दोनों हथेली की उंगलियाँ देखिए। बंदों की देख रहा हूं कि उंगलियां खुली हुई हैं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं उंगलियां चिपकी हुई हैं। जी 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 सही है, मुझे भ्रम हुआ था। हाँ जी, अब आप इस आसन को समाप्त करके पूर्व मुद्रा में आ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।